हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी जी मुग़ल डायनेस्टी के ऊपर, मुग़ल वंश के ऊपर। 1526 से स्टार्ट होता है, 1857 में कैसे वो समाप्त हो जाता है, कौन कौन से राजा आए, उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए हैं, सभी का एक एक बड़े अच्छे से क्वेश्चन बना करके जो है आपको जो दिया जाएगा। ओके, तो वीडियो को कम से कम एक या दो बार ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आपको जाहिर सी बात है, 100% बात है कि आपको जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे और बड़े अच्छे क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अंत तक जो है वो वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और जो ये वीडियो रहेगी वो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए, सभी एसएससी के एग्ज़ाम है वो, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मुग़ल वंश तो उसमें से मुख्यतः बहुत इम्पोर्टेंट अपनी एक जगह रखता है। किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, ओके, वो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है, द मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल वंश। ओके, जो मुग़ल वंश है, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के लगभग वो हाफ में स्टार्ट होता है, और फिर जो है वो 17वीं शताब्दी तक जो है वो चलता है, और फिर लास्ट में जो है वो 1857 में वो समाप्त हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जी फाउंडर मुग़ल एम्पायर के, बाबर। ओके, तो बाबर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जो बाबर है वो फाउंडर है मुग़ल वंश का, किसमें, भारत में। ओके, तो भारत में जो फाउंडर है मुग़ल वंश का कौन है जी, बाबर है। पहला क्वेश्चन तो यही है, कब से कब तक होता है, ये होता है जी 1526 से लेकर के 1530 तक। अब अगर मैं 1526 से पहले की बात करता हूँ, तो इससे पहले कि देखो, सिकंदर लोदी डाइड इन 1570, 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन आता है जी, इब्राहिम लोदी जो है वो आता है। इब्राहिम लोदी जो है वो लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और जो पावर है वो अपने पास रखता है। कुछ इसके ऐसे स्टेप्स थे जिसके कारण जो है ना तो जनता खुश थी और ना ही फिर इसके मंत्री जो है ऐसे खुश थे। तो फिर वहाँ से जो है वो बाबर को बुलाया जाता है कि जी आप इस पे अटैक करो, और इसका जो है साथ वो इसकी जनता और इसके मंत्री भी नहीं देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी कारण रहे थे जो दूसरे जो काम मुख्य कारण थे जो बाबर को हेल्प करते हैं जीतने में। ओके, तो 1526 में, 1526 में युद्ध होता है जी बाबर का और इब्राहिम लोदी का, जिसको क्या कहा जाता है, पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि पहला जो युद्ध है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ये हुआ था जी 1526 में, किस किस के बीच में हुआ था ये, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें जो है वो बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो अब जो बाबर है वो अपने बेटे को बोलता है कि जाओ वहाँ पे, आप जो है इसका बाबर का बेटा होता है हुमायूं, हुमायूं को बोलता है कि आप जा कर के आगरा पे, दिल्ली पे जो है वो कब्जा करो। ठीक है, तो वहाँ पे वो चला जाता है और उसको सीज कर लेता है। ओके, तो बाबर क्या है जी, फाउंडर है मुग़ल एम्पायर का, और फिर जो है वो बाबर वहाँ पे जा कर के उस गद्दी पे बैठता है। आप यहाँ पे देखोगे कि बाबर के किंगडम का मैप है, बाबर यहाँ से चलता है काबुल से, काबुल से होता हुआ फिर वो लाहौर आता है, लाहौर के बाद फिर वो पानीपत में पहला युद्ध करता है, और फिर आगरा पे बैठ करके उसके बाद कन्नौज और चंदेरी जो है इसकी एक्सपेंशन थे, मतलब यहाँ तक अपने राज्य को जो है वो फैलाता है। ओके, चलिए, उसके बाद फिर ये आता है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर इन द इंडो गैटिक वैली बाय बाबर वाज अ थ्रेट टू राणा सांगा। अब ऐसा रहेगा कि अगर अब इंडिया में बाबर आता है तो जो दूसरे जो रूलर थे, ओके, पास के, तो उनको भी जो है वो थोड़ा सा इसको तकलीफ़ होनी थी। क्यों? क्योंकि एक नया व्यक्ति आया है तो जाहिर सी बात है वो उन पे भी आक्रमण करेगा। तो अब जो है वो राणा सांगा आते हैं, राणा सांगा के साथ 1527 में, 1526 में पहला बैटल हुआ था जी पानीपत का, 1527 में खांडवा का युद्ध होता है। ओके, खांडवा का युद्ध किस किसके बीच में होता है, राजपूत रूलर है जी राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है खांडवा का युद्ध, जरूर याद रखोगे आप। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ोगे कि काबुल एंड कंधार बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एम्पायर कंप्राइजिंग नॉर्थ इंडिया सिंस दिस एरिया हैड ऑलवेज एक्ट। अच्छा, जो ये है कि काबुल है और कंधार है, जो भी है, अगर आप, मैं पीछे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये काबुल है। ओके, यहाँ से जो ये एरिया है, ये
अब अगर ये एरिया किसी भी किंग के किसी भी राजा के अंडर में आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो ये इस साइड की जो इतनी भी कंट्रियां हैं उनके साथ जो व्यापार करने में ठीक है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही एक रास्ता है जहाँ से इन कंट्रियों के साथ जो है वो व्यापार किया जाता है। तो अगर इस साइड से आता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बाबर के पास अब ये जो मेन एरिया था वो आ चुका था, इनके साथ जो है वो अपने व्यापार और दूसरे काम काज जो है वो बढ़ा सकता था, कर सकता था। ओके तो उसके बाद है द टू एरिया मेंशन अबो हेल्प इन स्ट्रेंथन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड विद चाइना एंड मेडिटेरेनियन सीज पोर्ट्स। आपको बताया है कि ये जो दो एरिया ऐसे थे काबुल का और इसके पास का कंधार का कि अगर जिस भी राजा के अंडर में रहेंगे तो उसका जो राज्य है वो बड़े अच्छे से ट्रेड करने में जो है वो उसको आसानी मिलने वाली है। ओके अगर मैं दूसरी बात बोलता हूँ कि जो बाबर है वो कैसे जीतता रहा, उसके पास जो है वो बड़ी अच्छी जो है आर्टिलरी एंड कैवलरी थी, मतलब उसके पास बड़े ही अच्छे घुड़सवार। ओके और दूसरा उसके पास क्या थी, तोपें थी, बंदूकें थी। ओके तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले इंडिया में तोपों का इस्तेमाल, गन पाउडर का इस्तेमाल किसने किया है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा जी, बाबर ने जो है वो इसका इस्तेमाल किया है। तो अब जो है बाबर वो इब्राहिम लोदी से जीत चुका है तो जाहिर सी बात है कि जो छोटी मोटी किंगडम थी वो तो ऐसे ही सरेंडर करेंगी। ओके तो ऐसे ही जो बाबर है वो जीतता चला गया। तो फिर क्या होता है कि 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। ओके 1530 में क्या हो जाती है जी, बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और भी यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा। 1527 में जो है वो किसके साथ युद्ध होता है जी, राणा सांगा के साथ युद्ध होता है, नाम क्या था जी, खांडवा का युद्ध। उसके साथ साथ आपको एक युद्ध और होता है जी, 1528 में एक युद्ध होता है, किसमें होता है जी, 1528 में युद्ध होता है, नाम क्या जी, चंदेड़ी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है होता है 1528 में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में जो है खांडवा का युद्ध, 28 में जो है वो चंदेड़ी का युद्ध, और 1500 फिर आता है जी 1529। 1529 में एक युद्ध होता है जी किसके साथ, मोहम्मद लोदी के साथ, जो अंकल था इब्राहिम लोदी का, और इसको क्या बोल जाता है जी, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके साथ होता है जी, मोहम्मद लोदी के साथ होता है। ओके और ये सभी के सभी जो है वो बाबर जीतता चला जाता है। 1526 में किसका, पानीपत का, 1527 में खांडवा का, उसके बाद 1528 में चंदेड़ी का, 29 में आता है जी घाघरा का। ठीक है तो यहाँ तक ये जो है जीतता चला जाता है। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा दूसरे भी बता देता हूँ। तो 1530 में इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो बाबर का मकबरा है, जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, तो आपका क्या आंसर रहेगा जी, बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है जी, काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में है। अच्छा उसके बाद फिर जो बाबर बाबर है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, नाम क्या जी, तुजुक ए बाबुरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुजुक ए बाबुरी। ये जो है वो तुर्किश लैंग्वेज में होती है, तुर्की लैंग्वेज में होती है, उसके बाद इसको जो है पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, फिर इसका नाम क्या रखा जाता है जी, बाबर नामा। नाम क्या रखा जाता है जी इसका, बाबर नामा। ओके और बाबर नामा का ये पर्शियन लैंग्वेज में था, तुर्किश लैंग्वेज में क्या था जी, तुजुक ए बाबुरी, जो ऑटोबायोग्राफी थी किसकी, बाबर की। ओके चलिए अब जो है उसके बाद बाबर के बाद आता है जी हुमायूं। हुमायूं आप देखोगे 1530 से 1540 और फिर आता है 1555 से 1556, मतलब कि जो 40 से 1555 था ये 15 साल जो है इसमें कौन आता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी हुमायूं के बारे में। तो जो बाबर था हुमायूं का पिता, इसको जो है वो समझा के गया था कि अपने को जो है वो साथ रखना है, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, तो ये क्या करता है, अपने पिताजी की बात मानता है और अपने भाइयों को भी राज्य में हिस्सा देता है। हिस्से का मतलब ये रहेगा कि साथ साथ ले कर के चलता है, साथ 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 ले कर चलने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी घूमने जाएगा उनको ले करके जाएगा, बल्कि ये है कि जो राज्य में हिस्सा होता है कि कुछ राज्य का हिस्सा सौंप दिया जी इस भाई को कि आप जो है वो यहाँ वहाँ पे राज करोगे, कुछ सौंप दिया दूसरे भाई को। ठीक है तो ऐसे जो है वो इनको सौंप देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार की साइड, बिहार की साइड बाबर के ही समय में, ओके एक शेर शाह नाम का व्यक्ति है, ओके जिसको जागीर मिल जाती है जी।
ठीक है, वहाँ की जागीर मिल जाती है, वो जागीरदार बन जाता है, इसका मतलब वो वहाँ का प्रभावशाली व्यक्ति है। अब वहाँ 1526 में जो है वो बाबर आया था, उससे पहले उसके जो है वो पिताजी नाम था हसन खान, वहाँ के जागीरदार थे, वो भी बड़े प्रभावशाली आदमी थे। उसके बाद ये आता है, बाबर आता है, ओके। उसके बाद फिर उस टाइम भी जो है वो जागीरदार रहता है जी, शेर शाह, ओके। तो बहुत पुराना व्यक्ति था, थोड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, तो टाइम के साथ और भी ज़्यादा जो है ये प्रभावशाली होता चला गया, ओके। तो अब टाइम आ जाता है जी 1539 का। 1539 के समय में जो है वो शेर शाह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है। तब वहाँ पे हुमायूं और शेर शाह की जो है वो टक्कर होती है। तो यहाँ पे एक युद्ध आता है जी, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है जी? 1539 में, याद रखना है आपको। किस किस के बीच में होता है? हुमायूं के बीच में होता है, और दूसरा कौन आता है जी? शेर शाह। शेर शाह के बीच में होता है, हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें जो है हुमायूं जो है वो हार जाता है। अब हुमायूं हार जाता है तो भी अपने भाइयों के पास जाता है, जिनको हिस्सा मिला हुआ था, जो खुद भी एक राजा थे, बट वो इसकी जो है हेल्प करने से मना कर देते हैं। फिर अंत में जो है युद्ध और होता है, जिसको हम कन्नौज का या फिर बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। हुआ कब है जी? 1540 में। किस किस के बीच में? हुमायूं के और शेर शाह के बीच में, जिसमें हुमायूं जो है वो बुरे तरीके से हार जाता है, और वहाँ पे से फिर वो भाग जाता है। कहाँ पे? ईरान में। अब वो ईरान में भागता है तो वहाँ पे वो एक व्यक्ति होते हैं जी, राजा होते हैं सफाविद शाह, वहाँ पे उनकी जो है वो हेल्प लेता है। और उनकी हेल्प लेने के बाद फिर वो वहाँ पे जो अपनी आर्मी को इकट्ठा करता है, हेल्प लेता है, और फिर क्या होता है कि 1555 में, 1555 में फिर दोबारा से जो है वो इंडिया पे आता है और वहाँ पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो 1555 की बाद हम बात में करेंगे। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं जी? 1540 तक हम पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आने के बाद, ओके, आने के बाद जो है वो इंडिया में कहाँ तक जो है वो मुग़ल एम्पायर जो है वो फैल चुकी थी, ओके। एक ये आप मुग़ल एम्पायर का जो है वो 605 से 1707 के बीच में, आप एक अकबर के समय का ये है कि कितना बड़े एरिया में अकबर ने जो है वो रूल किया था, ओके। तो शेर के हुमायूं के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और रह चुकी हैं। वो ये है कि एक कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी बायोग्राफी है जी हुमायूं नामा, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाम क्या है जी इसका? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हुमायूं नामा है वो किसने लिखी थी? वो हुमायूं की सिस्टर थी जी, नाम है जी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने जो है, गुलबदन बेगम ने क्या लिखी थी जी? हुमायूं नामा लिखी थी। ये किसकी बायोग्राफी थी? हुमायूं की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो फिर आता है जी, देखो 1540 तक जो है हुमायूं रहता है, वो वहाँ पे ईरान चला जाता है। फिर आता है जी सूर एम्पायर। सूर एम्पायर कब से कब तक चलता है? 1540 से लेकर के 1555 तक ये फिर चलता है, ओके। सबसे पहले मैं बात करूँगा जी शेर शाह के बारे में, इसका एम्पायर कब से कब तक था। इसका जो राजकाज था वो 1540 से लेकर के 45 तक रहा है। ये किसका बेटा था जी? ये हसन खान का बेटा था, जो जागीरदार थे कहाँ के? सासाराम के, बिहार के साइड है ये, ठीक है। इब्राहिम लोदी क्या करते हैं? ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम। इब्राहिम लोदी जो ये जागीर थी इसके पिताजी की शेर शाह के, वो शेर शाह को जो है वो दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि शेर शाह अब लगातार जो है वो शक्तिशाली व्यक्ति बनता चला जाएगा। 1527-28 ही ज्वाइन बाबर सर्विस एंड रिटर्न टू साउथ बिहार है जी, साउथ बिहार डिप्टी गवर्नर। तो बाबर के समय में ये साउथ बिहार का डिप्टी गवर्नर के रूप में आया। और फिर क्या होता है कि 1539 में, अब 10-12 साल के बाद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, हुमायूं के साथ इसकी जो है वो युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, जिसमें ये हुमायूं को हरा देता है। और फिर वहाँ से अपने आप एक टाइटल लेता है जी, नाम क्या है जी? शेर शाह एज एन एम्परर। वहाँ से फिर ये टाइटल ले लेता है कि आज से जो है मैं यहाँ का राजा हूँ, ओके। और फिर लास्ट में 1540 में तो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी हार होती है जी हुमायूं की, किसके हाथों? शेर शाह के हाथों। और इसको क्या बोल देता है? बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बेलग्राम। और कब होती है जी ये होती है 1540 में,
और उसके बाद फिर हुमायूं जो है अपने घर लौट जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है फिर शेरशाह का शासनकाल। ही डाइड इन 1545 वाइल कन्क्वेस्टिंग कलिंजार। अब जो है ये 1545 में मर जाता है जी, ठीक है, शेरशाह जो है 1545 में मर जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं वो जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। इन्होंने क्या बनवाया था, एक जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको आप बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक, पेशावर से कलकत्ता तक, कलकत्ता से पेशावर तक शेरशाह ने जो है वो ये रोड बनवाया है। और इनको कहाँ दफनाया गया था, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शेरशाह कहाँ दफनाया गया है जी, सासाराम में। अब शेरशाह के बाद जो है वो दो व्यक्ति आते हैं जी, एक तो होता है इस्लाम शाह और फिर आता है मोहम्मद आदिल शाह 1554 से 1555 तक। ओके, मोहम्मद आदिल शाह के बाद 1555 आ चुका है जी, और उसके बाद फिर जो है इनके ऊपर आक्रमण होता है और फिर वहाँ से दोबारा मुग़ल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो इस्लाम शाह था और मोहम्मद आदिल शाह था ये इतने महत्वपूर्ण राजा नहीं थे क्योंकि कमज़ोर शासक थे, ठीक है। कमज़ोर शासक होने की वजह से 1555 में जो है वो मुग़ल देखते हैं कि वहाँ पे जो स्थिति है वो कमज़ोर है और वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं। ओके, तो अब जो है वो 1555 की मैं बात करता हूँ, 1555 में जो है ये आते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, ये होता है जी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, किस किस के बीच में होता है जी, हेमू के बीच में होता है, हेमू के बीच में होता है जी, और दूसरा होता है जी अकबर के बीच में। अकबर वैसे उस समय जो है वो बहुत ही छोटा था, लगभग कोई 10-12 साल का ही रहा होगा, बट इसकी तरफ से जो अकबर है वो इसकी तरफ से जो लड़ते हैं उसका नाम था जी बैरम खां। ओके, इसका नाम क्या था जी, बैरम खां जो है वो हेमू को हरा देता है। जो हेमू है वो राजा नहीं था, हेमू जो है वो राजा नहीं था बल्कि एक हिंदू जनरल था, किसका जी, मोहम्मद आदिल शाह का, जो जो सूर वंश का जो है वो अंतिम शासक था, मोहम्मद आदिल शाह का जनरल था हेमू। ओके, तो 1556 में उसके बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पर कौन जीत जाता है जी, अकबर जो है वो जीत जाता है। तो अब जो है वो बैरम खां जो है इसके तरफ से होता है, अकबर की तरफ से सेनापति, फिर जो है कौन बनता है जी, राजा अकबर आता है 1556 से 1605 तक। द मोस्ट पॉपुलर रूलर अमंग द मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी का, मुग़ल वंश का सबसे महानतम राजा जो है हम इसको बोल सकते हैं, सबसे फेमस पॉपुलर पर्सन जो है ये रहा था। ओके, ये सभी आप जो है यहाँ पे पढ़ोगे, इसमें क्या क्या लिखा है कि इसने बहुत सी मिलिट्री कैंपेन भी किए हैं, अकबर ने बहुत बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित किया था, आप पीछे देख भी सकते हो यहाँ पे, ये देखो कितना बड़ा जो साम्राज्य है वो अकबर के बाद जो है, मतलब अकबर बना के चला गया था, इतना बड़ा राज्य जो है वो जीता था अकबर ने, इतना बड़ा किया था। ओके, तो बैरम खां जो है वो गवर्नर था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है जी 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। ओके, तो उसके बाद फिर अकबर की एक पॉलिसी ये थी, इसको जो है ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं की, बहुत सी लड़ाइयाँ की, बट ऐसा भी है कि जहाँ प्यार से काम चल सकता था वहाँ पे इसने लड़ाई को जो है वो महत्व नहीं दिया है। तो फिर यहाँ पे जीतने के बाद फिर किधर चलता है, ये राजपूत किंगडम की तरफ चलता है। मोस्टली राजपूत किंगडम जो है इसको अपना राजा जो है वो मान चुके थे, बट कुछ ऐसे थे जिन्होंने इसको नहीं माना, जैसे कि राणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह। ओके, इनको जो है वो अपना लीडर नहीं माना, अपना राजा नहीं माना। फिर क्या होता है कि इसकी वजह से इनके बीच में युद्ध होता है जी, हल्दी घाटी का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है जी। कब होता है, 1576 में, 1576 में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है जी, किस किस के बीच में, ये होता है जी राणा प्रताप के बीच में और अकबर की सेना के बीच में। जो अकबर की सेना है वो किसके द्वारा लीड की जाती है जी, वो मानसिंह है जी आमेर का, उसके द्वारा जो है ये लीड की जाती है अकबर की सेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राणा प्रताप है वो हार जाते हैं, बट फिर भी वो जो है वो लगातार स्ट्रगल जो है इनके खिलाफ वो करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अकबर के बारे में वो बातें डील करूँगा यहाँ पे आपके साथ, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पूछा जाएगा एसएससी में कि जो है वो फिर उसके बाद जो है उसने क्या किया है। ओके, इतना कुछ ज़्यादा
नहीं आपको पढ़ना है, जो वो पढ़ना है जो अभी तक आपको पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि जो अकबर ने एक अपना नया धर्म स्टार्ट किया था वो क्या था, नाम है जी दीन ए इलाही, कब हुआ था जी स्टार्ट, 1581 में, 1581 में जो है वो इसने अपना धर्म स्टार्ट किया था। अगर मैं इससे ज़्यादा डीप जाऊँगा तो फिर वो जो थोड़ा सा एक UPSC लेवल तक जो है वो चला जाता है, ठीक है। जितना हम पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट है, ओके। ऐसा रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे, ठीक है। उसके पीछे उनकी थिंकिंग क्या थी, उसका प्रोसेस क्या था, ये सब UPSC की तरफ जो है वो थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है। बट आपको फिर भी यहाँ ये है कि नहीं, मेरे को इससे भी ज़्यादा जो है डीपली जाना है, तो आप जो है वो फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो अकबर है इसने बहुत सी चीज़ें बनवाई हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी, 3-4 किले बनवाए हैं जी, अलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट और लाहौर का फोर्ट किसने बनवाया है जी, अकबर ने बनवाया है। और हुमायूं का मकबरा बनवाया है जी दिल्ली में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुगल जो एम्पायर है वो यहाँ पे कितना बड़ा हो जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि अकबर के बाद जो है वो कौन आया था, इसके बेटा था जी जहांगीर। बट इससे पहले आपको 2-3 क्वेश्चन और हैं अकबर के बारे में, मैं वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे वो क्या क्या रह चुके हैं। जो जहांगीर है इसको शेखो बाबा भी कहा जाता है, इसका नाम सलीम था, ओके। फिर जो है इसको जहांगीर वो कहा जाने लगा। तो अकबर का जो है वो कोई भी संतान नहीं थी, तो अकबर फिर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जी, नाम है जी शेख सलीम चिश्ती, और फिर इनकी ब्लेसिंग से जो है उनको एक बेटा होता है जी, नाम क्या है तो होता है जी उसका, शेखों बाबा सलीम जो है इसका नाम रखते हैं, ठीक है। और फिर इसी की वजह से जो है इसकी दरगाह जो है वो बनाई जाती है जी फतेहपुर सीकरी में, और जब फतेहपुर सीकरी में इसकी दरगाह बनाई जाती है तो इन्हीं के ही कारण, ओके, शेख सलीम चिश्ती के ही कारण जो अकबर है अपना कोर्ट आगरा से कहाँ पे शिफ्ट कर देता है जी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जो है वो अपना जो कोर्ट है, अपना राज दरबार है, वहाँ पे वो शिफ्ट कर देता है। अब अकबर ने और भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं जी, जैसे कि जजिया एक टैक्स था जी, उसको जो है वो ख़त्म किया है जी, कब किया है, 1564 में, 1564 में जजिया को जो है वो समाप्त किया है जी किसने, अकबर ने। उसके बाद इबादत खाना बनवाया है जी, इबादत खाना किसने बनवाया है जी, अकबर ने बनवाया है, नाम याद रखना जी, इबादत खाना, इबादत खाना किसने बनवाया है जी, अकबर ने बनवाया है। अब अकबर के नवरत्नों के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको जो है वो बिल्कुल साफ हम लेके स्लाइड आते हैं, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो अकबर के कई बार जो है वो नवरत्नों के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है जो टोडरमल है, एक व्यक्ति थे टोडरमल, टोडरमल ये अकबर के दरबार में कौन थे, ये थे जी फाइनेंस मिनिस्टर, ये वित्त मंत्री थे जी। और कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है कि अकबर के राज दरबार में वित्त मंत्री कौन था जी, नाम क्या आएगा आपका, फिर आता है टोडरमल, टोडरमल जो है वो उस समय के वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या था, अबुल फजल भी जो है वो इसी के समय में रहे हैं। जो तानसेन है, म्यूजिशियन थे तानसेन, तो अकबर के वो भी अकबर के समय में रहे हैं। तुलसीदास, तुलसीदास किसके समय में रहे हैं जी, अकबर के समय में ये रहे हैं, ओके। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब अकबर जो है वो मरा, वो उसको जो है कहाँ पे दफनाया गया है, तो वो उसको दफनाया गया है जी सिकंदरा में, नियर नियर आगरा है, आगरा के पास में सिकंदरा, सिकंदरा में इनको जो है वो दफनाया गया है, किसको, अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया है, ठीक है। और इनको जो है वो रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी बोला जाता है, कि मुगल वंश का ये एक रियल फाउंडर है ये, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है जी, रियल फाउंडर भी इनको बोला जाता है, किसका, मुगल एम्पायर का, मुगल डायनेस्टी का, किस में, इंडिया में, ओके। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो आपको पढ़ानी यहाँ पे ज़रूरी थी, ओके। तो अब आती है जी बात जहांगीर के बारे में, जो 605 से 627 तक रहा है। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखोगे कि जहांगीर का जो शासनकाल है कब से कब तक रहा है जी, 605 से लेकर के 1605 से लेकर के 1627 तक जो है इनका वो कार्यकाल रहा है। सलीम सन ऑफ अकबर नाम था जिनका, शेखो बाबा भी बोला जाता है, ओके।
जहांगीर जो विवाह करते हैं वो करते हैं मिहिर उल निसा के साथ, ओके, जिसका जो है वो बाद में नूर जहां जिसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन याद रखना है, नूर जहां का असली नाम क्या था जी? मिहिर उल निसा, और किसकी ये पत्नी थी? जहांगीर की, ओके। और उसके बाद एक विलियम हॉकिन आते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आते हैं 1608 में, जहांगीर के ही कोर्ट में वो आते हैं। नाम याद रखना है जी, विलियम हॉकिन। वो आते हैं इनकी कोर्ट में कि हमको जो है वो इसके साथ यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करनी है, व्यापार जो है वो बढ़ाना है। बट वहाँ पे फिर वो ज़्यादा इतना जोर नहीं देते हैं यहाँ पे जहांगीर। बट फिर दोबारा से 615 में, 1615 में थॉमस रॉय आते हैं, ओके। और उसके बाद जो है इनको परमिशन वो चलो दे देते हैं कि आप जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो वहाँ पे सूरत में। तो इनको जो है वो सूरत में जो है ट्रेडिंग करने की इजाज़त मिल जाती है। अब उसके बाद जो अगर मैं बात करता हूँ जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के समय में अंतिम समय ऐसा था इसका कि इसके खिलाफ़ विद्रोह जो है वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इसके एक बेटा था खुसरो, ओके, उसने भी जो है वो पांचवे गुरु थे सिख के, गुरु गुरु अर्जुन अर्जुन देव जी, उनके साथ मिलकर के इनके खिलाफ़ जो है वो एक रिवोल्ट विद्रोह किया था, ओके। और उसके बाद भी फिर लगातार ऐसे ही चलता रहा कि अंतिम समय में इनका जो जीवन था वो विद्रोह में ही बीता, ओके। फिर इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है जी 1627 में। और इनको कहाँ पे दफनाया जाता है जी? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, तो जहांगीर को दफनाया गया है जी लाहौर में। कहाँ पे दफनाया गया है जी? लाहौर में इनको दफनाया गया है, ठीक है। तो फिर इनके बाद इनका बेटा जो है वो शासक बनता है। आगे हम पढ़ेंगे जी शाहजहां के बारे में। शाहजहां आते हैं जी किसके बाद? जहांगीर के बाद, ओके। तो मुगल कैंपेन कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। तो इससे पहले जो जहांगीर था, ऐसा नहीं है कि उसने कभी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, तो उसने बहुत सी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ओके। उसका जो है वो दक्षिण की तरफ उसने बहुत एक अच्छे से जो है वो अपने एम्पायर को जो हो फैलाया था। उसके बाद शाहजहां ने भी कुछ ऐसे ही किया, ओके। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। और उसने जो है वो एक अफगान के मंत्री थे, ओके, नोबल पर्सन थे खान जो जहान लोदी, उनको हराया और जो है आगे एक्सपेंड किया है अपना जो साम्राज्य था। 3 ईयर लेटर आफ्टर हिज असेसन हिज बिलीव्ड वाइफ मुमताज महल। 3 साल बाद इनके बनने के बाद राजा, ओके, इनकी जो वाइफ थी 1631 में, नाम क्या थी? मुमताज महल। असली नाम क्या थी? अर्जुमंद बानो। इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, और फिर इनकी याद में जो है ये क्या बनवाते हैं जी? ताजमहल बनवाते हैं आगरा में, जिसका समय जो है 632 से 1653, 1632 से 1653 में वो कंप्लीट होता है, ओके। और फिर दक्षिण की तरफ अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको बहमनी साम्राज्य से पहले मैंने पढ़ाया था, उसमें बीजापुर गोलकोंडा जो है वो एक किंगडम, ये 5 किंगडम में बहमनी साम्राज्य टूट चुका था, बीजापुर गोलकोंडा उनमें से 2 थे, तो उनको भी जो है वो जीत लिया जाता है जी, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा 1636 में, बीजापुर और गोलकोंडा को। मतलब ये है कि बिल्कुल ये साउथ की तरफ जो है अपने साम्राज्य को लेकर के चले गए थे, जीतते चले गए थे। बोला जाता है कि जो इनका शासनकाल था वो बिल्कुल जो है वो चरम था जी मुगल डायनेस्टी का। किसके समय के बाद मैं बात कर रहा हूँ जी? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जी शाहजहां के समय की, 1627 से 1658 का। ही वॉज नोन फॉर हिज प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चरिंग ड्यूरिंग हिज टाइम। मतलब इसके समय में जो आर्ट और कल्चर था, आर्ट आर्किटेक्चर जो था, उसको भी जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ावा मिला है। जैसे कि इन्होंने रेड फोर्ट को बनवाया है, जामा मस्जिद को, ताजमहल को, ओके। ये बहुत से ऐसे काम किए हैं जो बड़े जो है वो उम्दा तरीके से इन्होंने किए हैं अपने शासनकाल में। शाहजहां वाज इम्प्रिजन बाय हिज सन औरंगजेब। आपको पता होगा कि जो औरंगजेब इनका बेटा है, ओके, औरंगजेब ने ही शाहजहां को जो है वो इम्प्रिजन किया था, जेल में डाल दिया था। उसको असलियत में तो वैसे आगरा के फोर्ट में रखा गया था, बट बोलते हैं कि उसको वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं थी, तो उसके लिए वो ही जेल थी एक, ओके। वो फिर 1666 में जो है वो मर जाता है, और कहाँ पे? फिर उसको ताजमहल में ही जो है वो उसको दफनाया जाता है। तो अब शाहजहां के बाद अब कौन आने वाला है जी? औरंगजेब जो है वो आने वाला है। तो औरंगजेब का अगर मैं शासनकाल की बात करता हूँ, कब से कब तक चलेगा जी? 1658 से लेकर के 1707 तक ये चलेगा। अब ये लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर रहेगा जी मुगल वंश का, क्योंकि इसके बाद जो भी रूलर आएंगे वो इतने जो है वो पावरफुल नहीं रहेंगे।
औरंगजेब वाज क्रोन एट दिल्ली अंडर द टाइटल ऑफ आलमगीर। इसने जो है वो टाइटल क्या लिया था जी, आलमगीर। आलमगीर का टाइटल किसने लिया है जी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसने जो है वो पहले 23 ईयर्स, पहले 23 साल तो जो है इसने अपने नॉर्थ इंडिया में ही दिए। अब जब नॉर्थ इंडिया में देता है ये, तो दूसरी साइड के जो व्यक्ति थे, जो भी पावरफुल पर्सन थे, वो और ज़्यादा पावरफुल होते चले गए। जैसे कि मराठा किंगडम, मराठा किंगडम में जो शिवाजी थे बहुत बड़ी एक शक्ति बन करके उभरे। और उसके बाद जो भी लगभग 24-25 साल थे इन्होंने, वो किसके खिलाफ़ लड़े, फिर मराठों के खिलाफ जो है इन्होंने वो अपने आगे का जीवन व्यतीत किया है। औरंगजेब कैप्चर्ड सिख 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी इन 1675। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब ने सिखों का कौन सा गुरु जो है वो कैप्चर किया था, वो है जी गुरु तेग बहादुर जी 1675 में, और फिर जो है इनको वो मार दिया था। उनके जो बेटे थे नाम क्या है जी, गुरु गोविंद सिंह। किन के बेटे जी, गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु गोविंद सिंह। ओके, गुरु गोविंद सिंह सन ऑफ गुरु तेग बहादुर ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इन टू कम्युनिटी ऑफ वॉरियर कॉल्ड खालसा। इन्होंने खालसा पंथ की जो है वो शुरुआत की है जी गुरु गोविंद सिंह ने, और किसके खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए। और इनका एक डिसिपल था, इनका शिष्य था जी बंदा बहादुर। ओके, बंदा बहादुर ने जो है वो गुरु गोविंद की जो ये लड़ाई थी वो लगातार मुगलों के खिलाफ जो है वो जारी रखी। और अगर मैं बंदा बहादुर का असली नाम की बात करता हूँ, ओरिजिनल नेम क्या था जी, लक्ष्मण देव जो है इनका असली नाम था। औरंगजेब जो नॉर्थ को, उत्तर भारत को जो है वो 1682 में छोड़ता है, और उसके बाद 25 साल 1682 से 1707 तक जो है वो मराठों के खिलाफ जो है उनको दबाने में उसके निकल जाते हैं। उस समय अगर मैं बात करता हूँ, जो शिवाजी थे वो मोस्ट पावरफुल मराठा किंग थे। ओके, तो अब जो है औरंगजेब का सिर्फ एक ही जो है अपना लक्ष्य रहेगा, वो क्या रहेगा जी, कि शिवाजी को आप जो है वो कंट्रोल करो, उसको जो है वो रोको। तो फिर ये क्या करता है, ये आमेर के जो है एक राजा होते हैं जयसिंह। ओके, जयसिंह को उनके खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए भेजता है 1665 में। और जयसिंह जो है बड़ी चतुराई के साथ जो है वो शिवाजी को जो है वो जीत लेते हैं। ओके, द मुगल कॉन्क्वेस्ट रीच एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग औरंगजेब रीन। मतलब यह है कि जब शिवाजी को भी जीत लिया, मतलब अब ये रहेगा कि इतनी बड़ी शक्तिशाली जो किंगडम थी मराठा किंगडम, उनको भी जो है इन्होंने जीत लिया, तो औरंगजेब के समय में बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पे ये बहुत चरम सीमा पे जो है ये पहुंच जाता है। ओके, और बीजापुर गोलकोंडा को भी जो है ये अपने में मिला लेता है 1686 और 1687 में। उसके बाद औरंगजेब जो है वो मृत्यु होती है जी कब, 1607 में। और इसको कहाँ पे दफनाया जाता है जी, दौलता बाद में इसको दफनाया जाता है। इसको क्या, जिंदा पीर भी, लिविंग संत भी इसको बोला जाता है जी, नाम याद रखना है, औरंगजेब जिंदा पीर लिविंग संत। इसने जजिया को, जजिया एक टैक्स होता जा था जी, जो अकबर ने जो है वो बैन किया था जिसको, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से जजिया को इंट्रोड्यूस किया है जी, स्टार्ट किया था। औरंगजेब जो ये जो जजिया है ये नॉन मुस्लिम के ऊपर ही जो है ये टैक्स लगाया जाता था। आफ्टर औरंगजेब मुगल एम्पायर रैपिडली डिक्लाइन, मतलब औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर थी वो बड़े ही बुरे तरीके से गिरी ड्यू टू वीक एंड अनवर्दी सक्सेसर, क्योंकि कुछ ऐसे कारण रहे जो इनके खुद के थे, क्योंकि इनके जो राजा थे वो अच्छे नहीं थे, कुछ साइड की जो ऐसी सरकमस्टांसिस थे, ऐसा एनवायरनमेंट बना कि जो है इनके साथ इनका जो मुगल एम्पायर था वो गिरता चला गया। जैसे कि 1739 में, ओके 1739 में नादिर शाह जो है वो भारत पर आक्रमण करते हैं। ओके, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था मुगलों के जो है हार का। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल आते हैं उनको लेटर मुगल जो है वो बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है जी, लेटर मुगल उनको जो है वो बोला जाता है। अब कौन आता है जी इसके बाद, बहादुर शाह आते हैं 1707 से 12 तक, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको वो बताता चलूँगा। जहांदर शाह आते हैं जी 12 से 13 तक, फर्रुख सियार आते हैं जी 1719 तक, मोहम्मद शाह आते हैं जी 1719 से 1748 तक। और इन्हीं के समय में फिर जो है वो कौन आता है जी, नादिर शाह आते हैं 1739 में। 1739 में जो है वो नादिर शाह आते हैं, इंडिया पे जो है वो आक्रमण करते हैं, और यहाँ से जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर का जो हीरा था वो लेकर के चले जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नादिर शाह के समय में इंडिया का राजा कौन था जी, राइट आंसर क्या रहेगा जी, मोहम्मद शाह। ओके, उसके बाद अहमद शाह आते हैं, और फिर कौन आता है जी, आलमगीर फर्स्ट आता है।
उसके बाद शाह आलम आता है जी 1806 तक, अकबर सेकंड आता है जी 37 तक, बहादुर शाह आता है जी 1837 से 1857 तक। ये लास्ट मुगल एम्परर था जी, ये लास्ट मुगल राजा था। उसके बाद 1857 के बाद 1858 में जो है इसको रंगून की जेल में जो है शिफ्ट किया जाता है, और फिर 1862 में ये मर जाता है। ओके, तो इस टाइप से जो है ये पूरे के पूरे मुगल बादशाह रहे थे। ओके, अब कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पढ़ने के लिए जरूरी हैं। मुगल कल्चर जिसको हम बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनवाया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। मैं बात कर सकता हूँ जी हुमायूं टॉम्ब की, किसके द्वारा बनाया गया है, हिज विडो हाजी बेगम, इनकी जो है विधवा थी हाजी बेगम हुमायूं की, उनके द्वारा जो है इनका मकबरा बनवाया गया है। पंचमहल कहाँ पे है जी, फतेहपुर सीकरी में, किसके द्वारा बनवाया गया जी, अकबर के द्वारा। मरियम पैलेस जहांगीर के द्वारा। दीवान ए आम और दीवान ए खास कहाँ पे, सीकरी में बनवाया गया है जी। तो दीवान ए आम और दीवान ए खास जो है वो किसके द्वारा, सीकरी में किसके द्वारा बनवाया गया है जी, शाहजहां के द्वारा वो बनवाया गया है। उसके बाद बुलंद दरवाजा आता है जी, किसके द्वारा वो बनवाया गया, अकबर के द्वारा। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है किसके द्वारा बनाया गया, फर्स्ट बिल्डिंग इन प्योर मार्बल, ये प्योर मार्बल की जो है वो पहली बिल्डिंग थी। अकबर टॉम्ब इन सिकंदरा, अकबर का जो किला है वो टॉम्ब है वो कहाँ पे है जी, वो है जी सिकंदरा में। और उसके बाद इट वाज कंप्लीटेड बाय जहांगीर, और उसके बाद फिर ये किसके द्वारा स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था जी, अकबर के द्वारा, और कंप्लीट किसके द्वारा किया गया, जहांगीर के द्वारा ये कंप्लीट किया गया है। उसके बाद जहांगीर ने मोती मस्जिद को बनवाया है जी, कहाँ पे, लाहौर में, ये याद रखना है। मोती मस्जिद कहाँ पे है, लाहौर में, किसके द्वारा बनवाई गई है, जहांगीर के द्वारा। ताजमहल और जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाए गए हैं जी, शाहजहां के द्वारा। ओनली बिल्डिंग बाय औरंगजेब इन रेड फोर्ट वाज मोती मस्जिद, लाल किले में भी एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया है जी, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा भी बनवाया है। ओके, इसकी पत्नी का जो है ये मकबरा है, बीबी का मकबरा। उसके बाद आल्सो बिल्ट औरंगजेब आल्सो बिल्ट बादशाही मस्जिद इन लाहौर, लाहौर में एक मस्जिद और है जी बादशाही मस्जिद, किसने बनवाई है, औरंगजेब ने ये बनवाई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा मुगल एम्पायर। ओके, इसमें जितना भी हो सकता था मैंने वो कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है, इसको तो हम जितना पढ़ेंगे ओके वो उतना ही हमको कम लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और भी जिस भी तरह की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड हम करा सकें। ओके, थैंक यू।